इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नगर के समीप हाईवे पर धार्मिक क्षेत्र की यार्ड में किए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में हिंदू धार्मिक जन जागृति मंच द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन दिया गया। समस्त हिंदू संगठन तहसील परिसर में एकत्रित हुए टेकरी का सीमांकन का अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार बड़ौत को सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के हरिशंकर लवंशी ने बताया कि ख्वाजा टेकरी को 5 बीघा जमीन शासन द्वारा आवंटित की गई थी, किंतु वहां पर लगभग 35 बीघा पर उनके द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया गया था। कलेक्टर के आदेश के बाद भी तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी बात को लेकर आज तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया गया। तहसीलदार अनिल कुशवाहा शीघ्र वैधानिक कार्यवाही करने का उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडियन टीवी न्यूज से अंकुर जैन की रिपोर्ट। इसमें न्यायालय का स्थगन होने से हम थोड़ा रुक गए हैं। 25 को मैं खुद जाके इसका विकेट कराने की कार्रवाई करके 1 या 2 दिन में हटा दें, 26 या 27 को हटा दें। धन्यवाद। मंच के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण घेराव किया गया था, जो सफलतापूर्वक आयोजन पूरा हुआ है। यदि प्रशासन इसमें भी ढीलबोल रहता है और आगे कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू जागरण मंच इससे भी अधिक उग्र आंदोलन कर उस अतिक्रमण को हटाएगा। अभी वहाँ पर तार फेंसिंग है और नया निर्माण कर दुकान बनाई गई है। हमारी मांग है कि पूरा उक्त अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बताएं क्या है मामला? यह मामला उक्त विगत 2011-12 से चर्चा में आया है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी शासकीय भूमि जो है बड़ौद नगर से 1 किलोमीटर दूर मेला ग्राउंड स्थित ख्वाजा टेकरी के नाम से जानी जा रही है, जो पहले विगत वर्षों से गौरावरुंडी के नाम से जानी जाती थी। वहाँ पर ख्वाजा टेकरी मजार के निर्माण के लिए 2011-12 में आपने कलेक्टर शायापुर को आवेदन दिया मजार निर्माण के लिए, तो कलेक्टर द्वारा इनको 5 बीघा भूमि आवंटित की गई। उसके बाद शेष भूमि शासन की भूमि है, जिस पर आज का महंगाई का युग को देखकर मद्देनज़र आपने पूरी जो टेकरी है उसके आसपास टेकरी से नीचे 10 बीघा और टेकरी के पीछे 20 बीघा और ऊपर जो निर्माण है 5 बीघा, कुल मिलाकर 35 बीघा इस पूरे सर्वे का बनता है, जिस पर पूरा अवैध कब्जा जमा कर इनको अपने पक्ष में रखा गया है। हम आपने कोई आवेदन दिया था इसे हटाने के लिए? हमने 28 दिसंबर को माननीय कलेक्टर महोदय आगर को इसमें अतिक्रमण मुक्त कराने ले दिया था आवेदन। उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए ढीलम ढोल टालम टोल किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय गिरधारों और तहसीलदार की इसमें मुख्य भूमिका है। आज आपने इस संबंध में ज्ञापन किसके नाम दिया है? मैंने आज यहाँ पे ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान व गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश भोपाल और साथ में गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिया है। आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे की रणनीति आपके शासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उस पर निर्धारित करेंगे। इसमें संगठन हिंदू जागरण मंच जिला आगर प्रतिबद्ध है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।